आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन पुलाव और हम सिर्फ 3 मसाले यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं ये रेसिपी हम कैसे बनाते हैं। हमने ले लिया है 2 प्याज चॉप किया हुआ, मिंट लीव्स ले लिया है मैंने, अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट ले लिया है मैंने, मिर्ची मैंने 2 लिया था, लेमन जूस या फिर नींबू रस मैंने ले लिया है 1 टेबल स्पून, टमेटो प्यूरी मैंने 3 टेबल स्पून लिया है, मैंने दुकान वाला यूज़ किया, आप चाहे तो घर पे बना सकते हो। चिकन लिया है मैंने 300 ग्राम्स। अभी हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। पहले हमने 1 टीस्पून हल्दी डाल दिया, फिर अभी हम मतलब आपके स्वाद अनुसार आप नमक ले लीजिए, और अभी मैं जो लेमन जूस ली थी वो भी डाल दूंगी। अभी हम जो सारे चीज़ें हैं वो सबको एक साथ मिक्स कर लेंगे, तो फिर जो चिकन में हमने मसाला तो वैसे डाला नहीं, सिर्फ हल्दी और नमक ही डाला था, और इस रेसिपी में हम ज़्यादा मसाले यूज़ भी नहीं करने वाले हैं, बेसिक जो मसाले होते हैं वही यूज़ करेंगे। तो जो हल्दी और नमक था और लेमन जूस तो था, उसको सबको एक साथ मिला के हम 30 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। मैंने कढ़ाई गरम करने के लिए रख दिया और मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है इसमें। अभी मैंने जीरा भी ऐड कर दिया, आप लोग चाहे तो शाही जीरा भी यूज़ कर सकते हो। तेज़पत्ता मैंने 2 लिया है, वो भी मैंने ऐड कर दिया, पूरा ऐड कर दिया मैंने। अभी हम इसमें मैं थोड़ा इस फ्लेम को लो कर देती हूँ। अभी हम इसमें प्याज डालेंगे, प्याज को हम फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा मिक्स करके सबके साथ, फिर फ्राई कर लेंगे हम प्याज को, देन हम टमेटो प्यूरी इसमें डालेंगे। तो अभी हमने प्याज को अच्छे से फ्राई कर लिया है, तो फिर अभी हम जो टमेटो प्यूरी है वो डाल दिए हैं, सबको एक साथ मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेती हूँ मैं। अभी मैं नमक डाल दी, आप लोग भी थोड़ा देख के नमक डालें, क्योंकि आप लोगों को नमक फिर से राइस में भी ऐड करना पड़ेगा, तो फिर अभी थोड़ा कम ही डालें, जितना फ्राई करने के लिए ज़रूरत है उतना ही डालें। मिला लेती हूँ मैं सबको एक साथ। अभी हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे, चिकन मैं सब ऐड कर देती हूँ, ऐड कर दिया मैंने। अभी मैं सबको एक साथ अच्छे से फ्राई कर लूँगी, चिकन और जो भी ओनियन टमेटो प्यूरी का जो फ्राई किया था उसके साथ। अभी चिकन में हम जो जिंजर गार्लिक और चिली का पेस्ट रखा था वो हमने डाल दिया। जो 2 मसाले लगेंगे हमको, एक है कोरिएंडर पाउडर 2 टेबल स्पून, और लगेगा हमको गरम मसाला पाउडर 2 टेबल स्पून। सारे मसालों को भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी चिकन के साथ, बेसिकली मैं मिक्स कर लेती हूँ चिकन के साथ मसालों को। और थोड़ा सा अभी हम चिकन को जो है थोड़ा सा फ्राई होने देंगे, कुछ 1 मिनट के लिए आप छोड़ दें फ्राई होने के लिए चिकन को। 1 मिनट हो चुका है, अभी मैं जो मिंट लीव्स है वो दे देती हूँ। अभी हम मिंट लीव्स को चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे, तो मैं मिक्स कर लेती हूँ चिकन के साथ मिंट लीव्स को। अभी हम जो राइस है हमने भिगो के रखा था वो राइस डाल देंगे, और फिर चिकन के साथ हम राइस को मिक्स कर लेंगे। चिकन के साथ हम राइस को मिला लेते हैं, और अभी हम लोग मिला लिए हैं, अभी पानी डालेंगे हम। नमक मैं अभी डाल दूंगी इसमें, पानी भी मैंने डाल दिया है। राइस मैंने 1.5
का लिया था, तो फिर 3 ग्लास मैंने पानी डाला है। आप लोग दूसरी मेजरिंग ग्लास में राइस ले रहे हो, उसके डबल आप लोगों को पानी डालना है। मैं थोड़ा मिला लूँगी सबको नमक के साथ और इसको ढक देंगे। 15 मिनट तक हमको हाई फ्लेम में पकाना है और फिर मीडियम फ्लेम में पका लेंगे। 30 मिनट हो चुका है, हमारा जो चिकन पुलाव है वो बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। आप लोगों ने तो देखा ही है कितने इजीली बन जाता है। आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा लंच में या फिर डिनर में। आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।